नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG, ठीक है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना से रिलेटेड सारे वीडियोस, छोटे से बड़े जानकारी से अपडेटेड सारे वीडियोस आप मेरी पूरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको डेली कुछ ना कुछ अपडेट देते रहता हूं, उसी के तहत दोस्तों आज यह भी बताने जा रहा हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में, जैसे आपने देखा पहले सेक 2011 जो जनगणना थी उसके आधार पर सभी को आवास प्राप्त हुए, उसके बाद आवास प्लस में भी नाम जोड़े गए, उसमें भी आवास प्राप्त हुए। अब दोस्तों उसके बाद जो शेष रह गए मुख्यमंत्री जन आवास योजना में नाम जोड़े गए, तो जल्द ही दोस्तों जो मुख्यमंत्री जन आवास योजना में नाम जोड़े गए हैं उनको आवास का लाभ प्राप्त होने वाला है। जी हां दोस्तों, सही सुना आपने, तो जल्द ही आवास प्लस में जो शेष हितग्राही बचे उन्हें और जन आवास योजना में जिन्होंने नाम जुड़ाया उन्हें जल्द ही आवास प्राप्त होने जा रहा है। और दोस्तों उसी के तहत एक जो, जैसा कि मैंने कहा है कि पहले, सबसे पहले क्या चीज़ रहती है, यदि हम पहले जो अपूर्ण आवास हैं वो जल्दी पूर्ण कर लें तो नए आवास आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज का जो मैं आपको आदेश भी दिखाऊंगा, तो जल्दी जल्दी दोस्तों अपूर्ण आवास पूर्ण कर लिए जाएं और आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के अंतर्गत खाते को लिंक कर लिया जाए, है ना। जो DBT इनेबल्ड खाते जैसे हम कर ही रहे हैं अभी भी काम, तो आधार आधारित भुगतान प्रणाली जो रहती है, जो आधार लिंक हमारा खाता रहता है DBT इनेबल्ड, उसमें ही सीधा पैसा आता है, तो वह भी हमें जल्दी जल्दी कराना है जिससे कि सारे जो आवास का हमारा पैसा है सीधे हमारे आधार लिंक खाते में ही आए, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, तो आज का वीडियो पूरा स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम हर जानकारी से अपडेट होते रहते हैं उसी के तहत दोस्तों आज हम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पर चर्चा करेंगे। आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की जो वेबसाइट है वो तो पता ही है, PMAYG.NIC.IN, है ना। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण इस तरह से होम पेज आ जाता है। दोस्तों आप बाकी के वीडियोज़ भी मेरी पूरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, सारे प्रधानमंत्री आवास योजना से रिलेटेड वीडियोज़। तो दोस्तों आज जो मैं नया दिखाने जा रहा हूँ वो हम ध्यान से देखेंगे। दोस्तों विकास आयुक्त कार्यालय मध्य प्रदेश भोपाल, तो विकास आयुक्त कार्यालय मध्य प्रदेश भोपाल से आदेश निकाला जा चुका है। क्रमांक आप देख सकते हैं 6579। दोस्तों भोपाल दिनांक 11/7/2023, कल ही के दिन निकला है 11 जुलाई 2023 को, बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है दोस्तों। प्रति मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त मध्य प्रदेश, विषय महत्वपूर्ण यह है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG अंतर्गत अपूर्ण आवासों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराए जाने के संबंध में, ठीक है। तो दोस्तों जल्दी जल्दी जैसे अपूर्ण आवास पूर्ण होते जाएंगे तो नए आवास भी जल्दी से ही आ सकेंगे, ठीक है। संदर्भ दिया हुआ है, यह दोस्तों प्रत्येक स्टेट प्रत्येक राज्य के लिए लागू है बात, क्योंकि संदर्भ दिया हुआ है ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक दिनांक 9/6/2023। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत भारत सरकार स्तर से योजना की प्रगति की निरंतर समीक्षा की जा रही है। भारत सरकार द्वारा समीक्षा बैठक के दौरान निम्नानुसार बिंदुओं की प्रगति निर्धारित समय अवधि में पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया है। क्या किया गया है, प्रदेश में 3.28 लाख से अधिक आवास अपूर्ण है अभी मध्य प्रदेश में, ठीक है। 3,28,000 जो है आवास अपूर्ण है, 3.28 लाख है ना, मतलब 3,28,000 जो आवास अपूर्ण है उनकी सूची भी संलग्न है। प्रत्येक जिला आवास निर्माण हेतु प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित करते हुए आवास निर्माण की गति को बढ़ाया जाकर अगस्त 2023 तक समस्त अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। जिलों द्वारा स्वीकृत आवासों में से 4,231 आवासों में प्रथम किस्त जारी नहीं की गई है। प्रथम किस्त जारी होने के उपरांत 88,127 आवास अप्रारंभ है तथा 1.24 लाख आवासों में द्वितीय किस्त जारी होने के उपरांत आगामी किस्त जारी नहीं की गई है। ये भी जिलावार सूची संलग्न है, अतः समस्त जिले निर्माणाधीन आवासों में निर्धारित स्तर का निर्माण कार्य कराकर लंबित किस्तों का भुगतान बिना किसी देरी के तत्काल जारी किया जाना सुनिश्चित करें, ठीक है। हितग्राहियों को लंबित किस्त का भुगतान करने हेतु 100% आधार आधारित भुगतान प्रणाली जो ABPS है, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम DBT इनेबल्ड खाता होना चाहिए है,
तो आधार आधारित भुगतान प्रणाली भुगतान सुनिश्चित करने तो 15 अगस्त के पूर्व 100% आधार सीडिंग की कार्रवाई की जाकर आधार आधारित भुगतान कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। जो उनका आधार लिंक बैंक अकाउंट है आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के अंतर्गत डीबीटी के अंतर्गत डीबीटी इनेबल्ड जो खाता है उसमें पेमेंट किया जाना सुनिश्चित किया जाए। कृपया उपरोक्त निर्देशों के अनुसार यथाशीघ्र कार्रवाई कराया जाने का कष्ट करें। संचालक महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण विकास आयुक्त कार्यालय मध्य प्रदेश भोपाल से आदेश निकाला जा चुका है और प्रतिलिपि भी दी जा चुकी है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। जल्दी जल्दी आवास अपूर्ण आवास पूर्ण होंगे तो नए आवास भी जल्दी ही आएंगे। और जैसे मैंने बताया आपको कि अभी जो मुख्यमंत्री जन आवास योजना जो लागू हुई जिसमें कि जो आवास प्लस में भी नाम छूट गए थे उन सभी को मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा, तो उसमें भी जल्द दोस्तों सभी को लाभ प्राप्त होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, उसके अंतर्गत भी सभी को जो है आवास का लाभ, पात्र हितग्राहियों को आवास का लाभ प्राप्त होने वाला है। तो मैं आपको सभी चीज़ें बताते रहूँगा, इन सबके लिए आप मेरे साथ बने जुड़ रही है। आपको पता ही है मेरी YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।